नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आगरा महानगर युवा सम्मेलन का आयोजन सूर सदन प्रेक्षागृह आगरा में आज भारी मात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ता एवं मातृशक्ति मौजूद रहे। मुख्य अतिथि प्रांशु दत्त द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश ने पूर्व सरकार के गलत कार्यों के बारे में बताया, साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। विशिष्ट अतिथि आगरा लोकसभा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने कहा कि युवा जोश इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ेगा, सरकार 400 पार तथा एवं आगरा लोकसभा 4 लाख पार होंगे। युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष शैलू शर्मा ने कहा कि ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, युवा को पूरा लाभ मिलेगा जन कल्याणकारी योजनाओं का। वहीं ब्रज क्षेत्र महामंत्री युवा मोर्चा गौरव राजवत ने कहा कि देश विरोधी शक्तियों के सामने खड़ा युवा मोर्चा राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को करारी हार मिलेगी। मंचा सेन पदाधिकारी भाजपा आगरा लोकसभा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल, भाजपा प्रदेश महामंत्री राम प्रताप चौहान, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी, राज्यसभा सांसद नवीन जैन, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, आगरा महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा, भाजपा महानगर आगरा के अध्यक्ष भानु महाजन, लोकसभा संयोजक टीएन अग्रवाल, युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री पवन हिंडोल, युवा मोर्चा के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष मनीष गौतम आदि लोग मौजूद रहे। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। उसके जुबा उसके सामने खड़ा है राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और आतंकी समर्थक और देश विरोधी ताकतों के समर्थक बनने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस बात को सुन रहे कि आगरा के अंदर युवा तुरुई ने युवा सम्मेलन में एक करवट लिया और निश्चय संकल्प किया है कि इन देशद्रोहियों को, राहुल गांधी को इन युवाओं ने जब दौड़ाया था अमेठी से तो बायनाड जाकर रुके थे। निश्चित तौर पर हम जो सार्थकता के वचन के साथ माननीय मोदी जी के साथ तेरा भयो अमर रहे महाजन चार रहे न रहे, इसी संकल्प के साथ आज माननीय प्रधान सुधीर द्विवेदी जी हमारे प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल साहब में युवा सम्मेलन में हजारों की संख्या में युवा आया है, एक ऐतिहासिक सम्मेलन आगरा में हुआ। निश्चित तौर पर यह संकल्प है कि 400 पार के नारे को सार्थक करना है, 1 बूथ 10 यूथ के नारे के साथ हर बूथ पर युवा 1 से 10 की संख्या में नजर आएगा और घर से वोटर तक वोटर को ले जाके ईवीएम के बटन को दबाएगा और निश्चित तौर पर देश की आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने में और मोदी जी का सहयोग करेगा। मुख्यमंत्री को अगर सीट लानी होती है, किसी प्रधानमंत्री को पहले देश की जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लानी होती है। जन कल्याणकारी योजना को लागू किया, हमने जनता का लाभ लिया, उसी लाभ के कारण आज हम बोल रहे हैं। और निश्चित आप देख रहे हैं आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का सम्मेलन हुआ, ऐतिहासिक सम्मेलन जिसमें युवाओं ने भागीदारी ली है। और आज इस युवा सम्मेलन से एक बात फाइनल हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में 80 की सीट मिलने वाली है, क्योंकि युवाओं ने ठान लिया और 2014 से पहले का देश देखा था और उन्होंने आज 2024 तक आप देखा है 10 सालों के अंदर, तो 10 सालों में बदलाव देखा है, युवाओं को जिस प्रकार योजनाओं का लाभ मिला है निश्चित ही युवा उससे खुश है। और निश्चित ये चुनाव जो है वो राष्ट्र का चुनाव है और राष्ट्र के चुनाव में युवाओं की भागीदारी जो 65% है वो फुल जोर पर होगी। प्रत्येक इवेंट से कमल बनाने का युवा मोर्चा करेगा। बोल करें आराम से कर लो, आराम से कर लो। देखिए पूरी बात मैंने कही अभी, प्रांशु जी आप यहाँ आगरा पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे 2024 के इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? देखिए जिस प्रकार की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की और योगी जी की हाल भी थोड़ी नीचे चल रही है, जिस प्रकार नए नए एक्सप्रेस वे बने हैं, नए नए एयरपोर्ट बने हैं, जिस प्रकार पूरी दुनिया की कंपनीज चाहे मोबाइल कंपनीज हो, वैक्सीन कंपनीज हो, जो भारत में आ रही हैं, जिनके नेतृत्व में युवाओं को भविष्य सुरक्षित है, के मेरा यही आग्रह है कि नौजवान पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, युवा मोर्चा के नौजवानों को मेरा संदेश है पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हर ग्रुप पर जो 10 नौजवानों की हमारी योजना है, नौजवान लगे और जो मोदी जी के समर्थन का वोट है उसकी पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने का पूरा काम करेंगे। और मुझको पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जो हम पुराना 2014 का रिकॉर्ड है उसको तोड़ेंगे और देश में 2019 का रिकॉर्ड जो है तोड़ेंगे। श्री योगी ने कहा है कि यूपी में 80 का आधार और अब की बार 412, तो यूपी में 80 सीटें आप ला रहे हैं? निश्चित तौर पर मैंने बोला ना कि 2014 का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे, 80 के लिए टारगेट करेंगे और 14 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जो विपक्ष कह रहा है कि पहले दूसरे चरण के मतदान के बाद देखिए पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद जो रुझान आ रहे हैं विपक्ष साफ है और आने वाले समय में आप देखिए 1-2 चरण और बीतेंगे वैसे ईवीएम का हल्ला फुल्का शुरू हो जाएगा,
आप समझ जाएंगे स्कोर कार्ड क्या बनने वाला है। वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं लगातार, विपक्ष कह रहा है कि ये वैक्सीन से लगातार लोगों को हार्ट अटैक हो या बीमारी हो रही है। देखिए ऐसा है, मोदी जी से पहले जो वैक्सीन होती थी विदेशों से आती थी, और एक बड़ा जो ड्रग माफिया है, जो दवा उद्योग का माफिया है, उसके साथ कांग्रेसी लोग मिले होते थे। इस बार मोदी जी ने उनका तंत्र तोड़ा है और अपने देश में वैक्सीन बनाई है, तो निश्चित तौर पर उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा, तरह तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को और पूरी देश की जनता को, इस देश के साइंटिस्ट को पूरा भरोसा है और करोड़ों लोगों की जान बचाने का अपने देश की वैक्सीन। दो लड़कों क्या होने वाला है, एक ही सवाल, दो लड़कों का क्या होने वाला है, दो लड़कों का क्या यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।